आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। आज एक तारीखी दिन है। मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतने शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने यहाँ पर तशरीफ ला के हमें आज बोलने का मौका दिया। यहाँ पर आज का दिन जो है खुसूसन महरमुल हरमुल के सिलसिले में एक तारीखी दिन है। जैसा कि आप सबको पता है कि 8वें मुहर्रम, 9वें मुहर्रम, 10वें मुहर्रम, जब भी श्रीनगर में, कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस की शुरुआत होते थे, शुरू होने से पहले ही मतलब इसका एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता था और यह सिलसिला 35 साल से चलते आ रहे थे। आज में बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम साहब, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर, मनोज सिन्हा जी हमारे यूटी जम्मू कश्मीर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि यही सियासतदानों ने जो कश्मीर में चल रहे थे अपनी सियासत गर्म करने के लिए 35 साल से इसको एक डिस्प्यूट बना के रखे हुए थे। इसमें कश्मीर के आवाम का कोई कसूर नहीं, ये आवाम को दिखा के ये अपना सियासत गर्म कर रहे थे आज का। तो आज जो है वो चीज़ ख़त्म हो गए। जिस तरह कांग्रेस जो है 70 साल से यूपी में जो हमारे मुहर्रमुल हरम के जुलूसों के ऊपर जो हरकतें करते थे, जब से बीजेपी सरकार आया यूपी में जो है मुहर्रम का जो है जुलूस जो है वो बिल्कुल अमन निकलने लगा। इससे पहले हम सुनते थे यूपी में मुहर्रम के दिन जो है हमेशा जो है वहाँ पर फंसा देते थे और कांग्रेस सरकार जो है दावा करते थे कि हम सेक्युलर है, सेक्युलर है, सेक्युलर है बोल रहे थे, लेकिन वो सेक्युलर की आड़ में मुस्लिम और मुस्लिम को लड़ा के वो अपना सियासत करते थे, जहाँ पर जो कि मुस्लिम चाहते ही नहीं थे, ये ज़बरदस्ती ऐसे काम करते थे। आज मैं बीजेपी सरकार, मैं नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और मनोज सिन्हा जी सबका मैं दिल के गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके बदौलत जो है, उनकी सरकार के बदौलत जो है आज श्रीनगर में जो है ये चीज़ हो पाया है और मैं कश्मीर के आवाम का भी बहुत बहुत मशकूर हूँ, चाहे वो हमारे सुनी भाई हो, चाहे शिया भाई हो, जो भी हो, और सरदार भाई हो, जितने भी वहाँ पंडित भाई हो, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जो ये अज़ा जो है, ये मुहर्रम जो है, ये सिर्फ शियाओं के नहीं है, ये तमाम मज़हबों के लिए, ये हर मज़हब जो है इसको मानते हैं, इसमें कोई मज़हब का कोई भेदभाव नहीं है। बदकिस्मती ये है कि यही सियासतदानों ने जो इस चीज़ को सियासत में लपेट कर इसको अभी तक जो है बंद रखा और 35 साल के बाद, कोई मजाक नहीं है, 35 साल अभी यहाँ पर वो लोग दावा करते हैं, जहाँ ये करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसी से अंदाज़ा कर रहे ले रहे हैं अब कि ये कितने सेक्युलर है, ये दोनों पार्टियाँ, ये पार्टी कितने सेक्युलर है आप खुद अंदाज़ा कीजिए। आज हमें खुशी है, खुशी तो नहीं बोल सकते मातम के दिन में, लेकिन एक फ़ख्र है हमें कि हमारी सरकार ने इस चीज़ को ख़त्म किया। इसके लिए मैं तमाम हमारे पार्टी के वर्कर की तरफ से, हमारे करगिल के आवाम की तरफ से, तो सब की तरफ से मैं अपनी सरकार का और मनोज सिन्हा जी का, होम मिनिस्टर जी का और तमाम यूटी गवर्नमेंट, जेएनके यूटी गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज मुहर्रम का जुलूस कम से कम 33 साल के बाद जो सर एमी रोड से होते हुए दांगे की तरफ अलॉट किया सर, दूसरा हमारा आशुरा का भी जुलूस हमने जो सुना है, इससे हमने देखा कभी नहीं है वहाँ पे कश्मीर में, जो लाल चौक से होते हुए अलमगिरी बाजार की तरफ जाते थे सर, उसको अलाउ नहीं किया गया सर, उसको लेके आप क्या कहते हैं? ये शुरुआत है,
आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो जम्मू कश्मीर में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहे हैं, शुरुआत है अभी आज के दिन उन्होंने छोड़ दिया, हो सकता है कि अपना कुछ ट्रायल बेस पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो देखने के लिए होगा, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो उस पर भी वो लोग कोशिश करेंगे, वो जल्द जल्द उन पर बात करेंगे, वो इंशाल्लाह वो लोग उस पर भी छोड़ने का हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि जितने भी स्टेट में माध्यमिक जुलूस बनते हैं यूपी में, खासकर यूपी की बात करो, लखनऊ की बात करो, मैं खुद गया वहाँ पर, मैं वो लोगों से मैंने बात किया है, जब मैं चेयरमैन था मैं लखनऊ गया, वहाँ मैंने बात किया, वो लोग बहुत अमन से वहाँ पर जुलूस निकालते थे, वहाँ बहुत सारे हिंदू लोग सरदार लोग वहाँ पर शिरकत कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि हमको आपस में लड़वा के जो है हमारे मुहर्रम के जुलूस बन रखे थे, यही सियासतदान लोगों ने यही पार्टियों ने बन करके रखे थे। जब से बीजेपी सरकार आई है तो हमारा लखनऊ का जो मातम में जुलूस है वो पूरा मन आराम से निकलने लगा। तो इस तरह से श्रीनगर में भी अब शुरुआत हो चुका है, इंशाल्लाह इस साल नहीं तो अगले साल इंशाल्लाह वो लोग कोशिश करेंगे, हमें उम्मीद है कि अगले साल आशा का भी हो सकता है इसमें।